अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है पेन टूल के मुतालिक। पेन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, वो एग्जैक्टली इस जगह पे आता है पेन टूल। और ये जितने भी टूल्स हैं वो आज इस क्लास में मैं आपको समझाऊँगा। तो ऊपर वाले बहुत सारे टूल्स हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक दो टूल्स रह गए हैं, उसके बाद हम लोग इन टूल्स पर जाएँगे और कुछ और एक्स्ट्रा जो टूल्स हैं जो फोटोशॉप में आते हैं उस पर जाएँगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। चलने चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पेन टूल सेलेक्ट कर लूँगा, और ज़्यादातर मैं शॉर्टकट्स पर काम करूँगा कि जितने भी टूल्स हैं वो सब इसी में शॉर्टकट में क्लियर हो जाएँ। इसको मैं जूम करूँगा। पेन टूल किस लिए ज़्यादातर मैं जिस तरह यूटिलाइज़ करता हूँ वो चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं सिलेक्ट करके इस जगह पे मैं रख देता हूँ, फिर ये रख देता हूँ, ये रख देता हूँ। ये आप देखें, ये एक जो है ना एक कर्व सा आ रहा है। कर्व को करने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा। ड्रैग करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। इधर सेलेक्ट किया, आल्ट प्रेस करके इसको एडजस्ट कर दिया, फिर इस पर सेलेक्ट करके इस तरह इसकी मूवमेंट कर दी। जो पेन टूल है ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ। और जो पेन टूल यूज़ होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, जो मैं यूज़ करता हूँ वो है क्रॉपिंग के लिए। क्रॉपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त ये टूल है। और भी चीज़ें यूज़ होती हैं कि आपने बैकग्राउंड रिमूवल के लिए और यूज़ कर सकें, लेकिन पेन टूल जब मैंने किसी चीज़ क्लाइंट अच्छे क्लाइंट का काम करना पड़ता है या डिटेल में काम करना पड़ता है तो पेन टूल के थ्रू करता हूँ। ये मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये हाथ आ जाएगा। आप आराम आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्पेस बार प्रेस करेंगे। ये कर्व आ गया, इसके लिए फिर क्लिक करके इसको थोड़ा मोमेंट, फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको एडजस्टमेंट कर दिए। ऑल प्रेस करके इसकी एडजस्टमेंट कर दी। ये जो कर्व नज़र आ रहे होते हैं ये आगे पीछे अगर आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी एक चीज़ कैसे जा रही है। इसको मैं जितना मर्जी आगे पीछे चाहूँ ये कर सकता हूँ। जस्ट एक रफली मैं इसकी सिलेक्शन कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो और आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जस्ट मैं इसकी एक रफली सिलेक्शन कर देता हूँ। क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इसकी मैं मूवमेंट कर सकूँगा। ओके, और स्पेस बार से हाथ बनाएगा और ऊपर कर सकते हैं आप इमेज को। कोई बात नहीं, ये बाद में जो है ये इसको सेटल कर लेंगे। जो मेन इसकी सिलेक्शन है वो कर लेते हैं। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक, और इसकी सिलेक्शन हो जा रही है। इधर क्लिक करके ड्रैग किया तो ये हमारे पास पॉइंटर आ गया, पॉइंटर से एडजस्टमेंट कर दी। ये कर्व है तो इसको कर्व पे दे दिया। ओके, ये हमने इसकी ओवरऑल सिलेक्शन कर ली है, रफली एक सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन हमारे सामने आ गई। तो ये आपके पास सिलेक्शन होके आ गई है। अब इस सिलेक्शन में आप देख रहे होंगे आपके पास पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो पॉइंट्स आ रहे हैं। जस्ट आपने इस चीज़ पर डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। इस जगह पर क्लिक करेंगे
तो ये आपके पास सिलेक्शन आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट पेन टूल पे जाना है। तो इसके जो बकाया टूल्स हैं कि अगर आपने कोई एंकर पॉइंट, एक अगर एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट ऐड करना है, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे एडिशन वाले पे जिस पे प्लस आ रहा होता है, और इस जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एंकर पॉइंट बना देगा। अगर इसको मूवमेंट करना चाहूँ तो इसको मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं यही एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रही होगी डिलीट एंकर पॉइंट, ये बिल्कुल इसके नीचे ही ऐड के नीचे। जस्ट इस पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर आप जो है ना विदाउट सिलेक्शन किए भी करेंगे तो वो भी हो जाएगा, डिलीट एंकर पॉइंट हो जाएगा। और ये जो कर्व्स वाला पॉइंट है, ये मैंने आपको ये पहले से समझाया है, अगर आप आगे पीछे करना है कोई राउंड गलत हो गया वो इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्शन कर ली इसकी। ओवरऑल सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे। कंट्रोल एंटर दबाने से इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल जे मैं करूँगा तो इसकी एक कॉपी निकल जाएगी और इसकी क्रॉपिंग हो गई है। कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने क्रॉपिंग किया है, ये आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली पेन टूल कितना मज़े का टूल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टूल है और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये आप चीज़ें इस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स और डिटेल्स में ट्रेनिंग के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप बाकी जितनी क्लासेस मैंने अपलोड की हैं वो देख सकते हैं। ये मैंने ओवरऑल क्लासेस अपलोड की हैं, उसके अलावा इलस्ट्रेटर भी मैंने डिटेल में समझाया है। ये 26 क्लासेस मैंने अपलोड की हैं, तो एक एक करके डिटेल में आप सीखेंगे। और साथ साथ हमारे ग्रुप ज्वाइन करें, आर्टिस्टिक मेंटोर के नाम से होगा फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जो आदमी उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।